50 GK के क्वेश्चन सीरीज का जो है पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले की एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसमें 50 GK के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और काफी लोगों ने उसे पसंद किया है, तो मैं उसी की सीरीज को इसको बढ़ा करके पार्ट फर्स्ट लेकर के आऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला ने अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन है आपके लिए 32वें, 33वें, 22वें या 23वें। आंसर है दोस्तों 33वें। 33वें अधिवेशन में जो है आपकी किसने, ये एनी बेसेंट जी ने जो है अध्यक्षता की थी। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि आपका 1917 में हुआ था, और ये आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बंगाल गजट को प्रथम अखबार था यह किस भाषा में छपता था? यानी बंगाल गजट जो है वो आपका प्रथम अखबार था, उसको वह किस भाषा में छपता था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका हिंदी में, बांग्ला में, अंग्रेजी में या उर्दू में। तो आंसर है दोस्तों अंग्रेजी में। ये जो प्रथम अखबार है बंगाल गजट, जो आपका प्रथम अखबार था, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था और इस अखबार के जो संस्थापक थे वो जे हिकी थे और ये कलकत्ता में छपता था सन 1780 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण की पद्धति सबसे पहले किसने शुरू की थी? ऑप्शन है आपके लिए इब्राहिम लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो आंसर है आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ईसा मसीह को किस रोमन गवर्नर ने सूली पर चढ़वा दिया था? ऑप्शन है आपके लिए प्रीटर, एंड्रयूज, पोटियंस या हॉपर। आंसर है आपका पोटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? ऑप्शन है आपके लिए 1905, 1906, 1911 या 1912। आंसर है दोस्तों 1911। ये जो आपका बंगाल विभाजन था ये 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और 1911 में इसको क्या किया गया, रद्द किया गया। साथ ही साथ 1911 में एक काम और हुआ था, जो राजधानी आपकी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है गौतम मुनि, कपिल मुनि, कणाद मुनि या जैमिनी मुनि। आंसर आपके लिए है कपिल, यानी सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे। साथ ही साथ न्याय दर्शन के कौन थे, गौतम मुनि थे। योग दर्शन के कौन थे, पतंजलि जी थे। और पूर्व मीमांसा के कौन थे, जैमिनी जी थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राजमोहन राय या एमजी रनाडे। आंसर है आपके लिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी और इसकी शुरुआत इन्होंने 1897 में बेलूर नामक स्थान से की थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड या यूएसए। तो आंसर देखते हैं दोस्तों क्या है आपका। आंसर है आपका आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया था और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 में वर्णित है। और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से 51 तक इसी अनुच्छेद के अंतर्गत ये वर्णित किया गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए गोबी, कालाहारी, सहारा या थार। आंसर है आपका सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। आंसर है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। और एक जानकारी इससे रिलेटेड और है कि यहीं से शिमला से होकर के तिब्बत के लिए रास्ता जाता है, यानी शिमला से होते हुए आप तिब्बत अगर आपको जाना है तो इसी रास्ते से आपको जाना होता है, से जो कि कहाँ पड़ता है, सिपकिला दर्रे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके लिए गुजरात, मुंबई, विशाखापट्टनम या कोची। आंसर है आपका गुजरात। और साथ ही साथ ये देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायन के निपटान हेतु स्थापित किया गया है और इसीलिए इसे रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। ये भी सारी जानकारी आपको ध्यान में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नासिक में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन आपके लिए चंबल, बेतवा, गंगा या गोदावरी। आंसर है आपका गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑप्शन है आपके लिए पत्रकारिता, साहित्य, संगीत या कला। आंसर है आपका संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शन है आपके लिए खुशवंत सिंह, सुनील गावस्कर, एपीजे अब्दुल कलाम या जयप्रकाश नारायण। आंसर है आपका एपीजे अब्दुल कलाम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च। आंसर है आपका 21 मार्च। साथ ही साथ 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया का जन्म दिवस एवं विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। ये आपको दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी 23 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन आपके लिए लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जकार्ता। आंसर है दोस्तों पेरिस। और यह संगठन 1946 में बना था तथा इसका काम क्या है आपका कि दो देशों के बीच में शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, यह किसका काम है? यूनेस्को का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल है। इसमें से ऑप्शन है आपके लिए अटलांटिस, स्पुतनिक, आर्यभट्ट या कोलंबिया। आंसर क्या है दोस्तों आपका? आंसर है कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लिथिनागो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कैनिंग। आंसर है आपके लिए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, सूरत, लंदन या मद्रास। आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर है आपका लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ऑप्शन है आपके लिए तांबा, चांदी, सोना या हीरा। आंसर है आपका चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें किस कारण गोल हो जाती हैं? ऑप्शन है आपका श्यानता, गुरुत्वाकर्षण, पृष्ठ तनाव या संजात बल। आंसर है आपका पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का नियम निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन है आर्किमिडीज, न्यूटन, बर्नौली या थॉमसन। आंसर है आपका न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 18, 24, 20 या 22। आंसर है आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपके लिए लीवर को, हृदय को, हड्डियों को या मस्तिष्क को। आंसर है आपका मस्तिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक, कंपेनियन सेल या मेरिस्टम सेल। आंसर है आपका फ्लोएम सेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दलदलीय भूमि पर निकलने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रोपोफाइट्स, हाइग्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स या हाइड्रोफाइट। आंसर है आपका हाइग्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें कुंभ रूपी जड़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन है आपके लिए हल्दी, आलू, सलजम या प्याज। आंसर है आपका सलजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन है आपके लिए ए, डी, ई या सी। आंसर है आपका सी, ये वसा में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की मात्रा शरीर में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है आपके लिए कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन या फास्फोरस। आंसर है आपका ऑक्सीजन। दोस्तों मैंने इसमें क्या किया है आपका जो है लगभग लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन को उठा करके इसमें आपको बनाया हुआ है। इसमें आपका जो है केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायो से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सभी से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं। चलिए दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि पानी का पीएच कितना होता है? 7, 7.4, 6 या 6.4। आंसर है आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए ग्रेफाइट, हीरा, लेड या गैलेना। आंसर है आपका हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके लिए CuSO4.H2O, CaSO4.2H2O, CuSO4.2H2O या CaSO4.24H2O। आंसर है आपका CaSO4.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर एक विषैली गैस फाजीन बनाता है? ऑप्शन आपके लिए सोडियम, सीसा, क्लोरोफॉर्म या सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर है आपका क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय निम्न में से क्या सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है? ऑप्शन है आपके लिए प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट या फैट। आंसर है आपका विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉक साल्ट किसका अयस्क है? ऑप्शन है आपके सोडियम का, जिंक का, आयरन का या मैग्नीज का। आंसर है आपके सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त गैस का घटक निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन है आपके लिए ऑक्टेन, ब्यूटेन, हेक्सोन या एथेन। आंसर है आपका ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सिलिकेट या कैल्शियम कार्बोनेट।
आंसर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए यूरेनियम, सोडियम, थोरियम या पोटेशियम। आंसर है आपका थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? ऑप्शन सॉरी इसका आंसर आपको सामने आ चुका है, आंसर आपके लिए है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ऑप्शन है आपके लिए परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। आंसर है आपके लिए परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति नदी में तैर लेता है यह न्यूटन के किस नियम के कारण संभव हो पाया? ऑप्शन है आपका प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ऑप्शन है आपके ताप ऊर्जा में, गतित ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या वैद्युत ऊर्जा में। आंसर है आपका वैद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा नियम आर्किमिडीज द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, प्लवन का नियम, जड़त्व का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। आंसर है आपका प्लवन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं? ऑप्शन है आपको प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को या तृतीय नियम को या ये सभी। आंसर है आपका प्रथम नियम को। नेक्स्ट है कि फूलों पर तितलियों का मंडराना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ऑप्शन आपके लिए वृत्तीय गति, कंपन गति, रेखीय गति या अनियमित गति। आंसर है आपका अनियमित गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? ऑप्शन है आपके लिए गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या आवेग। आंसर है आपका अपकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन आपके लिए 38,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 35,000 किलोमीटर। आंसर है आपका 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानवीय आंखों के लिए निकट बिंदु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है आपके लिए 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 35 सेंटीमीटर। आंसर है आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मानवीय आंख के लिए दूर बिंदु की दूरी कितनी होती है? इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपसे न्यूनतम पूछा गया था, फिर से देखिए आपसे निकट बिंदु की दूरी का पूछा गया था और अब की बार जो ये क्वेश्चन है इसमें आपसे मानवीय आंखों की दूर बिंदु की दूरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है आपके लिए 100 सेंटीमीटर, 1,000 मीटर, 1,450 मीटर या अनंत पर। आंसर है आपका अनंत पर। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, साथ ही साथ जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी टाइप के क्विज और बहुत सारी जानकारियाँ आपको आपके मोबाइल पे मिलती रहे। और इसके लिए साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब के साथ बगल में बना हुआ बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना होता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ फेसबुक वॉल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।